दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आंसर एवरीथिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको ट्रू कलर का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, साथ ही हम ट्रू कलर के बारे में डिटेल से आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी प्राइवेसी और पर्सनल डाटा को सुरक्षित और गोपनीय रखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको ट्रूकॉलर के बारे में डिटेल से बताएंगे। दोस्तों ट्रूकॉलर ऐप के बारे में सबको पता होगा और लगभग सभी लोग इसको अपने फ़ोन में रखते हैं, लेकिन सबको ये नहीं पता होता कि आपके प्राइवेसी के साथ किस प्रकार खिलवाड़ कर रहा है, यानी कि आप किससे क्या बात करते हैं, किससे चैट करते हैं, कहां पर अपने कार्ड से पैसे पे करते हैं, इन सब की जानकारी को ट्रूकॉलर अपने सर्वर पर भेज देता है। ट्रूकॉलर यह सब कैसे करता है, आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रूकॉलर ऐप क्या है। वैसे दोस्तों ट्रूकॉलर ऐप आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखे होंगे, आप उसका प्रयोग करते होंगे। आप उसका प्रयोग केवल इसलिए करते हैं कि जब आपके फ़ोन पे अननोन नंबर से कोई फ़ोन आता है तो ट्रूकॉलर ऐप जो होता है उस अननोन नंबर किस नाम से है वह नाम आपको शो कर देता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है ट्रूकॉलर ऐप का। बस आप ये समझ लीजिए कि ट्रूकॉलर एक ऐसा ऐप है जो किसी भी अननोन नंबर का पता बताता है। जब भी आपके मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आता है तो ट्रूकॉलर आपको कॉल स्क्रीन पर उस मोबाइल नंबर के ऑनर को, जिसका नंबर होता है, उसका नाम दिखा देता है। अब आपको इसी सच्चाई के बारे में बताते हैं कि ट्रूकॉलर ऐप कैसे किसी के मोबाइल नंबर को नाम को कैसे पता कर लेता है, मतलब ट्रूकॉलर कैसे काम करता है, आज हम आपको ये बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि यह ऐप भी बाकी ऐप की तरह होता है, लेकिन जैसे ही आप ट्रूकॉलर को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो यह फौरन जैसे आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको वहाँ पे देखते होंगे अलाउ और डेनी का ऑप्शन आता होगा, मतलब कि कुछ मतलब मांगता है आपको कि मतलब आपके डाटा को अपने सर्वर पर भेजने के लिए अलाउ करने का ऑप्शन देता है, तो आप उसको अलाउ कर देते हैं। और जैसे ही आप अलाउ के ऑप्शन पे सब पे क्लिक कर देते हैं, आपके सारे डाटा उसके सर्वर के पास भेज दिए जाते हैं। अब होता यह है कि जिन जिन लोगों ने अपने फ़ोन में इसे इंस्टॉल करके रखा हुआ है उन सब के डाटा को यह ऐप जो है सर्वर पर अपने स्टोर करके रख देता है। तो और अब बात आती है कि आखिर ट्रूकॉलर ऐप किसी भी अननोन नंबर की पहचान को कैसे कर लेता है, चलिए इसको भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया कि ट्रूकॉलर सभी के डाटा को अपने सर्वर पर क्या करता है, स्टोर करके रखता है। अब बात आती है कि कैसे वह किसी के नंबर को कैसे पहचान लेता है। तो दोस्तों आपके फ़ोन के सभी डाटा को ट्रूकॉलर पर जब भेज दिया जाता है तो आपके कॉन्टैक्ट में जितने नंबर होंगे और जिस नाम से होंगे वो डाटा भी ट्रूकॉलर के पास चला जाता है, और उन्हीं नामों में से ट्रूकॉलर जो है आपके नंबर को दिखाता है। जैसे आपने किसी अपने मोबाइल फ़ोन में किसी का नंबर सेव किया है, मान लीजिए कोई भी नाम सेव किया है, और अगर वही नंबर किसी दूसरे के फ़ोन पर जाता है तो मान लो वो व्यक्ति आपके नंबर को सेव नहीं किया है, तो जो आपने अपने फ़ोन में उस व्यक्ति को नाम को सेव किया रहेगा वही नाम उसके फ़ोन पे दिखाएगा। तो इस प्रकार ट्रूकॉलर किसी भी अननोन नंबर को कैसे बता देता है। इसके बाद ट्रूकॉलर यह देखता है कि आप अपने कॉन्टैक्ट में किन किन नंबरों को किन किन नामों से सेव किया है, वह उन डाटा को कलेक्ट करने के बाद उन नंबर से जो नाम रहते हैं उसको सेव कर लेता है। जब आपके फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है तो वह उन नामों को शो कर देता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि ट्रूकॉलर के पास इनका खुद का कोई डाटा नहीं होता है, यह हमारे ही डाटा को लेकर, हमारे ही कॉन्टैक्ट से नाम और नंबर को लेकर दूसरों को दिखाते हैं। अब बात आती है कि ट्रूकॉलर पैसे कैसे कमाता है। तो दोस्तों आप जब ट्रूकॉलर को ओपन करते होंगे यहाँ वहाँ आपको कई सारे ऐड दिखते होंगे, जब आप किसी ऐड पर क्लिक करते हैं तो वहीं से ट्रूकॉलर की अर्निंग हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें ट्रूकॉलर का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि ट्रूकॉलर के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन से तीन वजह हैं जिसकी वजह से आपको ट्रूकॉलर को अपने फ़ोन में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों आप गौर करें कि जब आप अपने फ़ोन में ट्रूकॉलर को इंस्टॉल करते हैं तो परमिशन एसएस पे आप देख ध्यान से देखें तो हमारे यह फ़ोन के सारे लगभग सारे परमिशन को मांग लेता है। यहीं से इसका खेल शुरू होता है और यहीं से हमारे प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करता है। जैसे देखो दोस्तों जब आप ट्रूकॉलर अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो आप ध्यान देंगे ऐप परमिशन में, जब जो जो चीज़ों को वह परमिशन मांगता है तो सबसे पहले वो कैमरा का परमिशन, कॉन्टैक्ट का, लोकेशन का, माइक्रोफोन का, एसएमएस का, स्टोरेज का और टेलीफोन का, लगभग सभी सारे परमिशन को वह अलाउ के लिए मांगता है, जिसको हम बड़े आसानी से अलाउ कर देते हैं क्योंकि हमको इसका प्रयोग करना होता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक मोबाइल एप्लीकेशन अब आपके फ़ोन का माइक्रोफोन और कॉन्टैक्ट को लेकर क्या करेगा।
अगर आपको नहीं पता कि वो इन चीज़ों को लेकर क्या करेगा, तो चलिए हम आपको इसके भी बारे में बता देते हैं। अगर कोई भी मोबाइल ऐप आपके फ़ोन की माइक्रोफोन को एक्सेस करने की परमिशन मांगता है, इसका साफ मतलब ये होता है कि आप जहां भी बात करते हैं आपके आवाज़ को किसी भी समय वह रिकॉर्ड कर सकता है, चाहे वह वॉइस आपके द्वारा कॉल पर की गई बातों की हो या फिर रिकॉर्डिंग की। इसी तरह से कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने का मतलब यह होता है कि आपके मोबाइल में सेव किए हुए सारे नंबर किन नामों से हैं, वह उन नामों को पहचान लेता है। अब ये सभी कॉन्टैक्ट आपके मोबाइल से सिंक करा के उस मोबाइल ऐप के सर्वर पर स्टोर कर दिए जाते हैं। अब सोचिए दोस्तों, ट्रूकॉलर ऐप जो है आपके SMS की भी परमिशन को अलाउ करने के लिए मांगता है। अब सोचिए वो SMS की परमिशन को लेके क्या करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके SMS में कोई भी OTP आती है तो वो उसको आसानी से पढ़ सकता है। इससे आप कहीं भी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कार्ड के द्वारा पेमेंट करते हैं तो उस पर OTP आता है, तो OTP को लेकर आपके कार्ड से पैसे किसी भी प्रकार ले सकता है दोस्तों। लेकिन हम आपको बता दें, ट्रूकॉलर ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में इन सभी बातों का जिक्र किया है कि वह किन किन आपके फ़ोन के किन किन डाटा को वह अपने पास सेव करके रख लेता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अब ट्रूकॉलर आपके डाटा को सेव तो कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ा बात यह होता है कि यह आपके डाटा का मिसयूज़ भी कर सकता है कभी भी। मतलब यह आपके डाटा को लीक कर सकता है या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को बेच सकता है। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी भरोसे की हो तो लीक होने के चांसेस कम रहते हैं। दोस्तों ये 3 कारण थे जिसके आपको अपने फ़ोन में ट्रूकॉलर ऐप को नहीं इंस्टॉल करना चाहिए अगर आप अपने प्राइवेसी और पर्सनल डाटा को शेयर नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे अपने डाटा को शेयर किए बगैर ट्रूकॉलर का इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले आपको बताते हैं, सबसे पहले आप एक नई ईमेल आईडी बना लीजिए और उसको अपने गूगल के साथ सिंक मत करिए। तो उसके बाद आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाएं। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं ट्रूकॉलर नंबर सर्च। ट्रूकॉलर नंबर सर्च करके यहाँ पर क्लिक कर दें, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पर आप सर्च पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए ट्रूकॉलर पे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च, आप यहाँ पे नंबर डालने का ऑप्शन आ गया, लेकिन यहाँ पे नंबर आप जैसे डालते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, कोई भी नंबर डाल के यहाँ पे आप सर्च करते हैं। लेकिन ध्यान दें कि आप एक नई ईमेल आईडी बनाए उसको गूगल के साथ सिंक मत करिए। अब यहाँ से देखिए मांग रहा है गूगल के साथ साइन करें, तो गूगल के साथ आप यहाँ से साइन कर लीजिए। अब जो नई ईमेल आईडी बनाए रहेंगे आप उसी से साइन करें, जैसे हम यहाँ पर बनाया है तो यहाँ पर हमने इससे साइन कर दिया। साइन करने के बाद फिर से आप यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आपका नंबर किस नाम से है। यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए आ गया यहाँ पे। तो इस प्रकार आप अपने डाटा को शेयर करी किए बगैर जान सकते हैं कि अननोन नंबर जो है किस नाम से है। दोस्तों मैं कभी भी ट्रूकॉलर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा कि ट्रूकॉलर में ये नहीं होना चाहिए, तो वही जानकारी मैं आपके साथ शेयर किया। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।